हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टोरी जोन प्रतिभा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक छोटी सी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगेगी तो लास्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम कहानी। सबसे बड़ा आलसी। एक शाम को बादशाह अकबर और बीरबल घूमने निकले। बातों ही बातों में अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे दारुल सल्तनत की राजधानी में बहुत से आलसी लोग हो गए। उनमें से यदि तुम सबसे बड़े आलसी को खोज निकालोगे तो हम तुम्हें भारी इनाम देंगे। बीरबल ने दूसरे ही दिन यमुना नदी के किनारे एक पंडाल बनवाया और राजधानी भर के आलसियों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। आलसियों की टोली भोजन करने के लिए निकली। कुछ लोग जम्हाई लेते लेते चल रहे थे, कुछ को घिसट घिसट कर चलना पड़ रहा था। कितने ही आलसी दूसरों के धक्के से आगे बढ़ रहे थे। सुबह से निकले हुए आलसी दोपहर तक भोजन के पंडाल में पहुंचे। सभी आलसी भोजन करने बैठ गए। भोजन परोसा गया। अब आलसी तो आलसी ठहरे, खाने की भी मेहनत कौन करता भैया। किसी ने एक कौर लिया तो कौर को मुंह तक लाने के लिए उसका हाथ ही नहीं उठ रहा था। किसी ने कौर मुंह में डाला तो भी उसे चबाने की कोई जल्दी नहीं थी। घंटों बीत गए लेकिन उनका खाना समाप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी बीरबल के कहने से उसके एक नौकर ने मंडप में आग लगा दी। आलसी लोग धीरे धीरे मंडप से बाहर निकलने लगे। उन्हें अपने प्राण बचाने की कोई जल्दी नहीं थी। सभी आलसी एक एक करके चले गए पर दो आलसी मंडप में अभी बैठे रहे। उनमें से एक आलसी दूसरे आलसी का सहारा लेकर बैठा था। उसने दूसरे से कहा, चलो अब हम भी चलें, यहाँ सब कुछ जलने लगा है। दूसरे आलसी ने कहा, तू जा, मैं मंडप से बाहर आने वाला नहीं हूँ। मेरा बेटा मुझे कंधे पर उठाकर यहाँ छोड़ गया था, अब मैं खुद चलकर मंडप के बाहर कैसे जाऊँ। पहला आलसी धीरे धीरे बाहर निकल गया। दूसरा आलसी जल मरने को तैयार था लेकिन स्वयं उठकर मंडप के बाहर जाने को तैयार नहीं था। बीरबल ने नौकर से उठवाकर उसे मंडप से बाहर किया। दूसरे दिन बीरबल ने इस आलसी को अकबर के सामने हाजिर किया और कहा, हुजूर, यह हमारे राज्य का सबसे बड़ा आलसी है। यह जल मरने के लिए तैयार था लेकिन स्वयं उठकर मंडप से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। अतः इसे आप सबसे बड़ा आलसी का पदक देकर इसका सम्मान कीजिए। इस तरह दारुल सल्तनत राजधानी के महा आलसी को खोज निकालने के लिए अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और भारी इनाम से नवाजा। हमारी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जितना हो सके अपने दोस्तों में, जान पहचान के लोगों में शेयर करिएगा। आपके द्वारा हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहता है और हम आपके लिए इस तरह की छोटी कहानियाँ और पौराणिक कहानियाँ लाते रहेंगे। और हो सके तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे इस तरह की कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।